25 लोकसभा सीटें कांग्रेस के हाथ से क्या चली गई? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की हार क्या हुई? राजस्थान में कांग्रेस की तस्वीर ही बदल गई है। ये पार्टी राजस्थान में दो हिस्सों में बट चुकी है, एक है सचिन पायलट का, दूसरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। राज्य में तनातनी का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दूजे के समर्थक खुलेआम मुख्यमंत्री पद पर बदलाव करने को लेकर पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं, और ऐसी स्थिति के बीच जब सचिन पायलट अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं तो चर्चा और भी ज्यादा जोरों शोरों से होने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मेघा, और राजस्थान पर इस खास पेशकश में आपसे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान में गहलोत खेमा और पायलट खेमा, ये आज का नहीं है, ये विधानसभा चुनाव के बाद का ही है। अशोक गहलोत के समर्थक कहते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, इसके पीछे की वजह अशोक गहलोत का राजनीतिक अनुभव है। वहीं सचिन पायलट के समर्थक कहते हैं कि बीजेपी को हराकर विधानसभा चुनावों में जो हम सत्ता अपने हाथ में ले पाए हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की मेहनत है। सचिन पायलट ने पसीना बहाकर गर्मी के दिनों में या फिर पसीना बहाकर जनता के बीच जाकर राजस्थान की पकड़ को जनता के बीच मजबूत करने के प्रयास किए हैं। और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाने के बाद जब सचिन पायलट अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं, जब सचिन पायलट ये कह देते हैं कि संगठन में कई तरह के बड़े फेरबदल होने वाले हैं, संगठन में कई तरह के बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो जनता यहां पर हैरान हो जाती है। जनता उत्सुक हो जाती है जानने के लिए कि आखिर होने क्या वाला है, राजस्थान की सत्ता बदलती हुई दिखाई पड़ने वाली है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी की कमान दी जाने वाली है। इसी मुद्दे पर इस हफ्ते चर्चा होने वाली है, और जहां तक खबर मिली है, जहां तक पक्के कयास सुनने में आ रहे हैं, सचिन पायलट बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत राहुल गांधी का उत्तराधिकारी बनकर पार्टी की कमान संभालेंगे, और कांग्रेस पार्टी में कई तरह के बदलाव राज्य में भी, संगठन में भी, राष्ट्रीय तौर पर भी आप सभी को होते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि आप देश की जनता हैं तो आपका हक है इस तरह के बदलावों से रूबरू रहना। आप देश की जनता हैं तो आपको पता होना चाहिए बदलाव किस तरह के होने वाले हैं और उन बदलावों का क्या असर जनता पर पड़ेगा, देश पर पड़ेगा, पार्टी पर पड़ेगा। तो आपको बदलावों से यहां पर रूबरू होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको हमारी रिपोर्ट पर नजर डालनी होगी। देखिए जरा, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। सचिन पायलट ने पहले ही कह दिया है कि अब कांग्रेसी खेमे में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, संगठन को मजबूत करने के मकसद से पार्टी में कई सारे बदलाव आगे आने वाले वक्त में होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद में भी बदलाव हो सकते हैं। राज्य विधानसभा का सत्र गुरुवार को स्थगित होने के बाद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज अचानक से दिल्ली पहुंच गए। पायलट ने यहां वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, एके एंटनी गुलाम नबी से मुलाकात की, जिसे लेकर पार्टी के उच्च पदों पर जो नेता बैठे हैं वो बताते हैं कि पायलट शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के साथ साथ कई और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बता दें आपको, बजट सत्र के बीच अचानक से पायलट का दिल्ली दौरा, वरिष्ठ नेताओं से मिलना, पूरे दिन राजस्थान कांग्रेस में चर्चा का विषय बना रहा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही वैसे भी राजस्थान के कांग्रेस नेताओं में खींचतान चल रही है। बीते दिनों पायलट अपनी मां की स्वास्थ्य जांच कराने के लिए विदेश गए, वहां से लौटने के बाद वो जयपुर में थे। इससे पहले एक दिन पहले ही कैबिनेट मंत्रिपरिषद और कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई, इसमें सचिन पायलट शामिल हुए। दरअसल पायलट का दिल्ली दौरा राजस्थान में चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम आने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। गुटों में बढ़ चुकी है कांग्रेस पार्टी, और नेता लगातार अपनी अपनी पसंद के नेताओं को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर तमाम तरह की खबरें आईं। उसके बाद सूत्रों ने बताया कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के साथ मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने लगभग सहमति बना ली थी
कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमान को सचिन पायलट संभालेंगे, जो राजस्थान में लोगों की पहली पसंद भी बने हुए हैं। हालांकि कांग्रेसी सूत्र ये तक बताते हैं कि जल्द ही इस मसले को हल करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इस पर मोहर भी लगाई जा सकती है। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में हार के तत्काल बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद पर बने रहने से इनकार कर दिया। अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसके बाद राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ में दे दी जाएगी। बता दें आपको, कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वहां की जनता की भी पहली पसंद है और साथ ही कांग्रेसी नेताओं की भी। सचिन पायलट की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेसी नेता यही कह रहे हैं कि सचिन ने जिस तरीके से राजस्थान की जनता के बीच पार्टी के वर्चस्व को मजबूत करने के लिए काम किया है, उसके बाद ये पद बिना दो बार सोचे सचिन पायलट को दे देना चाहिए। बहुत जल्द इस पर चर्चा होने वाली है। चर्चा के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है देखना होगा।